एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक निधोली कला में स्थित ककराला गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 13 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्राम वासियों ने मंजू यादव को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2200 की आबादी एवं 1400 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 200 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 52 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 75 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 11 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 120 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत घर, खेल का मैदान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानमंत्री राजेश यादव, पंचायत हसनपुर ककराला, विकास खंड निधोली कला, जिला एटा। मैंने अपने कार्यकाल में 11 खंजा कराए, 4 नाली कराएं, 120 मनरेगा से कच्चे कार्य कराए, चक्रोड़ों पर मिट्टी डलवाई, लगभग 10 फट। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, सूर्य लाइट, बरात घर, पंचायत, स्टेडियम, ग्राम पंचायत, रास्ते पक्के होने चाहिए। मेरी पंचायत में बहुत से लोग गरीब हैं जो चाह रहे हैं ग्राम मतलब पंचायत से तो प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिलने चाहिए, मेरी मांग है। मैं सभी प्रधान लोगों से संगठन के बारे में मतलब सभी लोग इकट्ठे होकर संगठन चलाएंगे, तभी संगठन चलेगा हमारा और सफल भी होगा।